मैडम ये लीजिए आपका खाना। मेरा खाना? हाँ मैडम, एड्रेस तो यहीं का था, सोहम जी के नाम से। अच्छा ठीक है। साहब ये आपका खाना, वो एक भैया नीचे मेरी दुकान पर देके गए थे, तो ये आप रख लीजिए। मैं तो अभी अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं ये खा नहीं पाऊंगा। एक काम करो ना, आप इसे खा लो। साहब आप अपने फ्रिज में रख लीजिए ना, तब जब आएंगे तब खा लीजिएगा। यार मेरा फ्रिज भी खराब है, क्या करूँ मैं, ये खराब हो जाएगा बेमतलब में खाना। तो एक काम करो ना, तुम खा लो इसे। मैं खा लूँ? हाँ। नहीं नहीं साहब, आपने मंगाया, आप ही खाइए। आप अभी खा लीजिए और बाद में चले जाइए। देखो मैं नहीं खा पाऊंगा इसे, और मेरे को ना बहुत अर्जेंटली जाना है, तो प्लीज आप खा लो इसे, ठीक है ना। अरे साहब मैं आपके पास ही आ रही थी, ये आपका खाना वो भैया आज भी देके गए मुझे। यार मैं तो नहीं खा पाऊंगा, मेरे को जल्दी कहीं जाना है। तो साहब आज तो खा लीजिए आप। एक काम करो ना, तुम फिर से खा लो आज, ठीक है, मेरे को जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है साहब सुनिए, अरे साहब साहब ये आपका खाना वो देके गया था। मेरे को तो ऑफिस निकलना है, मेरे को जरूरी काम है। एक काम करो तुम खा लो इसे, ठीक है। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है तूने, तू रोज मुझसे खाना बनवा के मंगवाता है और उसे डिलीवर करवा देता है। तो यार तुझे पता है ये यहाँ पे बहुत टाइम से काम करती है, और पहले ना इसका काम बहुत अच्छा था, पर जब से ये ऑनलाइन लॉन्ड्री वाले आए हैं ना, इसका काम ठप पड़ गया। पर पिछले साल इसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, तब से ये अकेली ही घर में कमाने लगी। तो यार मैंने ना इसे कुछ दिनों पहले नमक के साथ रोटी खाई। मैं तुझे बता नहीं सकता कि मुझे कितना बुरा लगा। तब मैंने सोचा कि मैं अगर इसकी एक टाइम का खाना देके भी हेल्प कर सकूँ ना, तो बहुत होगा मेरे लिए। भाई तूने बहुत अच्छा काम किया, अब मैं भी इसकी मदद किया करूँगा, और अब से जो मैं खाना लाऊंगा ना वो थोड़ा ज़्यादा ले आऊँगा, ताकि अपने घर वालों को भी खिला सके। अगर तू ऐसा करेगा ना तो बहुत अच्छा होगा।